भागलपुर की सबौर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक महिला समेत चार दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले विजय पोरवाल ने 5 लोगों पर शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपये और गहने जेवर की ठगी करने का आरोप लगाते हुए सबौर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सभी दलालों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। आज सबौर से ही पुलिस ने कहलगांव के बाखरपुर की एक महिला, पीरपैथी के मधुबन देरा के विनोद मंडल, सनहौला प्रखंड के हनुवारा के छविनाथ मंडल, कामापुर के सुनील मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला ने बताया कि इससे पहले उसकी शादी बाखरपुर के रामकुमार यादव से हो चुकी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला ने कहा कि हमको फंसाया गया है, हमको कुछ पता नहीं था, सुनील मंडल ने पकड़ कर यह सब करवा दिया, फिर डर से घर नहीं जा पाए। पहला पति कौन है आपका? पहले पति मैं बाखरपुर में है। बाखरपुर में? बाखरपुर। नाम क्या है आपका? राम कुमार यादव। आपके कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे। ये अपनी मन से किए कि आपको फंसाया गया? आपको हमको फंसा दिया, हम अपने मन से नहीं किया। आप अपनी मर्जी से नहीं किए? कुछ तो लालच दिया होगा, ऐसे कैसे? लालच इसे बताया तो ऐसे फंसा दिया हमको, कुछ न दिया है, जो कपड़ा है वही है और कुछ नहीं है। क्या करते थे आप? हम कुछ नहीं करते। पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं करते, घर में रहते। कुछ अचानक आ गया इसमें? अनाचक कैसे आ गया, हमको पति मारा पीटा, हम नहरा जा रहे थे गुस्सा में, हम गिर गए, गाय कुछ गिर गया। हमको विनोद है ना कि गाँव समाज के जिराज है, इसी दवाई करवाई हमको उठा बैठा के, जब दवा करवाए तो इसी में कांड करवा दिया, हम डर से भी घर नहीं गए, हमको मारेगा सब कोई। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिसुराउ संपर्क पथ पर तेतरी के डिलीवरी बॉय विशाल कुमार से अपराधियों ने 23,500 रुपये नगद और कई कीमती सामान लूट लिए। डिलीवरी बॉय ने घटना को लेकर लिखित आवेदन देते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। विशाल ने कहा कि वह चौसा से अपने मोटरसाइकिल से लौट रहा था, इसी दौरान बाबा बिसुराउ सेतु पथ पर श्रीपुर गांव के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे रोक लिया और कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर नकदी और ग्राहकों को डिलीवरी किया जाने वाला करीब 25,000 रुपये छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी कदवा की ओर भाग गए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद लूट की सूचना नवगछिया पुलिस को दी, नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना रास्ते में सर 3 आदमी बाइक सवार कट्टा जता के सारा सामान ले लिया, मोबाइल ले लिया, पैसा था वो ले लिया, हेलमेट गाड़ी का चाबी सभी। भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र के बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में परीक्षा दिलाने आए एक युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बरारी पुलिस की सहायता से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। मृतक की पहचान दिव्यांशु के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भास्कर के रूप में हुई है। दोनों घोगा के पक्की सराय के रहने वाले हैं। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि दोनों अपने रिश्तेदार को जेई मेंस का परीक्षा दिलाने भागलपुर बरारी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र आए थे, इसी दौरान झमाझम बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जा छुपे, जिसके बाद दोनों बारिश के बीच हुए आकाशीय वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे दिव्यांशु की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि भास्कर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भास्कर के भाई हरिओम शर्मा ने आम लोगों से बारिश और बरसात के दौरान घर में रहने की अपील करते हुए कहा कि लोग वज्रपात में घर पर रह कर ही सुरक्षित रह सकते हैं। ठनका से 2 व्यक्ति को सर बिजली गिर गया, जिसमें जो व्यक्ति तो खत्म हो गया, इस व्यक्ति जो है मेरा छोटा भाई, कुछ हल्का कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक है। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोठिया के मुखिया कुंज बिहारी चौधरी ने बालू माफियाओं के द्वारा हथियार के बल पर गाड़ी रोककर 5 लाख रंगदारी मांगे जाने और रंगदारी नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की लिखित शिकायत सनहौला थाने में की है। दिए गए आवेदन में मुखिया ने बताया कि वह अपने निजी वाहन से सनहौला जा रहे थे, इसी दौरान महियामा गाँव के पास प्रदीप यादव एवं उसके गुर्गों ने हमारी गाड़ी को हथियार के बल पर रोक दिया और गाली गलौज करने लगे, मेरे सिर पर हथियार सटाकर
नगद 25,000 रुपया और सोने का चैन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हारे परिवार में सभी को नौकरी है और मनरेगा फंड से बहुत पैसा कमाया है, 5 दिन के अंदर 5 लाख रुपया दो नहीं तो जान से मार डालेंगे। साथ ही अगर सूचना पुलिस को दिया तो दिन रात तुम इसी रास्ते से जाते हो, किसी भी समय गोली मार देंगे। दिए गए आवेदन में मुखिया कुंज बिहारी चौधरी ने खुद के जान माल की रक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। अब सवाल यह उठता है कि जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। वही इस मामले में सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले की जाँच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। तो 4-5 आदमी वहाँ खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को हाथ दिया गया, हम लोग गाड़ी रोके लगा कि कुछ काम है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। मैं जब रुका वो गाली गलौज करने लगा और मेरे गले में जो मैं बहुत दिन से लोग देखते भी थे, काफ़ी पूरे पंचायत या प्रखंड किसी से भी पूछिएगा, मेरे गले में एक सोना का चैन था जो कि मैं मुखिया बनने से पहले से भी पहनता हूँ और वो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया और मेरे पास लगभग 23-24 हज़ार रुपया था जो वो पैसा ले लिया और बोलने लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी में है, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार दें, और अगर तुम प्रशासन को जानकारी दोगे तो दिन रात इसी रास्ते से आते जाते हो, किसी समय गोली मार देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। और वो नशा में धुत था प्रदीप यादव, प्रदीप यादव था, शिबू यादव था। फलक को जिद है, जहां बिजलियां गिराने की हमें जिद है, वहीं आसिया बनाने की यह जिद है। भागलपुर के दक्षिणी खंड के कई मोहल्लों के हजारों लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने और मूलभूत सुविधा प्रदान करने को लेकर जिद है। आज़ादी के बाद से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन की घुट्टी पिलाने और चुनाव के समय वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने से बचाने को लेकर जिद है। जल जमाव के कारण लोगों को होने वाले परेशानियों की तस्वीर लगातार दिखाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के रहनुमाओं को भागलपुर स्मार्ट सिटी के बदनुमे धब्बे यानी मिर्जान हट, सिपुरी कॉलोनी सहित कई मोहल्ले के लोगों को जल जमाव के कारण होने वाले परेशानियों से लगातार रूबरू कराने की, जिससे इनके कान पर जूरेंगे और लोगों का भला हो सके। दरअसल ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से मिर्जान हट, सिकंदरपुर, कमल नगर सहित दर्जनों मोहल्ले में हल्की बारिश के बाद ही पानी और गंदगी से पूरा इलाका लबालब हो जाता है और सड़क से लेकर घरों तक पानी फैल जाता है और पूरा इलाका स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ के वासिंदों की यही नियति बनकर रह गई है। लोगों को इंतजार है किसी फरिश्ते का जो इनको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके, क्योंकि नकारे जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की उदासीनता से जनता त्रस्त हो चुकी है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर सनहौला मार्ग पर जगदीशपुर पुलिस को शराब की खेप खपाने की गुप्त सूचना मिली। उस आधार पर सोमवार देर रात्रि पुलिस ने अभियान चलाया और सनहौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर योगीबीर गांव के निकट वाहन चेकिंग के दौरान एक टाटा इंट्रा गाड़ी से 390 बोतल देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को धर दबोचा। शराब तस्कर बांका जिला के बाराहाट थाना अंतर्गत घोसपुर गाँव निवासी जनारायण सिंह का 34 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शराब ले जा रहे टाटा इंट्रा गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। बहरहाल वाहन चेकिंग के दौरान देसी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। सीनियर एसपी नितासा गुड़िया के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। कचहरी चौक, गुरट्ठा चौक, जरलाही, नाथनगर, नरगा, साहेबगंज, ततारपुर सहित सभी संवेदनशील इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर ही बकरीद की नमाज अदा करने की अपील करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान ने सभी संवेदनशील जगहों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की बात कही। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एसपी पूरन झा सहित सभी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आज भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है
भागलपुर के सभी निवासियों से यही संदेश है कि कोविड के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब का अनुपालन करें, और साथ ही साथ जो है बकरीद की नमाज जो है वे सभी अपने घर से अदा करें, और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने पाए। पुलिस जिला नौगछिया में शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर नौगछिया पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नौगछिया गौशाला रोड से पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो इसको लेकर विशेष फ्लैग मार्च निकाला गया है। पर्व त्यौहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही एसडीपीओ ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बकरीद पर्व मनाने को लेकर अपील भी की। फ्लैग मार्च के दौरान कई थाना अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी शामिल थे। आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर देखी गई। भागलपुर बरारी स्थित सीढ़ी घाट, जहाज घाट, आदमपुर घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते दिखे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहती है। गंगा स्नान के दौरान कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी और संक्रमण पर आस्था भारी दिखी।